वो कितनी यूजफुल है और उनकी परचेजिंग में जो किस का जो कीमत रहा है वो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। हम लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हमारे विद्यालय में बच्चों के हित में होगा वो काम मैंने करने का कोशिश किया था। 2016 में जब 2021 में जब मैंने चार्ज लिया, अभी संजीव सर ने बताया, अमोद सर ने बताया कि 1 मार्च को मैंने चार्ज लिया था और इतना सारा पैसा विद्यालय में M&R हेड में पड़ा हुआ था कि मैं आपको कह नहीं सकता हूं। सबसे पहले 1 सप्ताह के अंदर मुझे डीसी का आदेश हुआ कि आप अपने सैमसंग लैब को 1 सप्ताह के अंदर अपग्रेड कराए। मार्च 2 या 3 मार्च को मैंने तेलुगु सर को 14 या 15 हजार रुपए एडवांस दिया और 24 घंटा काम करा करके हम लोगों ने 1 सप्ताह में सैमसंग लैब तैयार करवा दिया। आप सैमसंग लैब को देख सकते हैं, उसकी ग्रिल को देखिए, उसका पेंटिंग देखिए और उसके बाद आज आपका सैमसंग लैब पूरी तरह दिखा। मैं यहां पर प्राचार्य विद्यालय को ऊंचाई तक पहुंचाना
केवल विद्यालय प्रशासन केवल शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपकी है। आप विद्यालय को जितना ऊंचा चाहोगे ले जा सकते हो। तो अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग विद्यालय में अपने रहने का अपने आने के मकसद को समझें और उस पे उसी दिशा में अपना प्रयास करें, अपनी एनर्जी को लगाएं, अपनी ऊर्जा को लगाएं। कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। जब भी कोई समस्या हो अपने हाउस मास्टर के पास संपर्क करें, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे पहला व्यक्ति है जो आपको हर समय आपके साथ है। उनसे अगर समस्या बाहर जाती है तो प्राचार्य महोदय है, आपके सीनियर टीचर्स हैं, उनसे करें। लेकिन विद्यालय को मिलजुल कर हम सबको चलाना है। कल को मैं जहां भी रहूंगा, क्योंकि इस विद्यालय के साथ मेरा बहुत लंबा संबंध है, इसलिए मुझे खुशी होगी जब मुझे इस विद्यालय के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान देंगे और जरूर मुझे किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद। और उतनी ही गर्मजोशी से आपके शरीके हयात मैडम का भी और आपके प्यारे प्यारे बच्चों का भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सहयोगी मित्र जो हमेशा दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। चाहे वो हमारे शिक्षक मित्र हों, शिक्षकेतर कर्मचारी मित्र हों, या दैनिक भोगी कर्मचारी हो, या कॉन्ट्रैक्ट में जो टीचर हैं, वो सभी हमारे अंग हैं, हमारे हिस्से हैं। इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और जो सबसे ज़्यादा आज के कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में अल्प सूचना पर तैयार करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, और उन कलाकारों को और साथ ही साथ नीचे बैठे हुए तमाम हमारे प्यारे बच्चों को भी, जिन्होंने कार्यक्रमों की हौसला बजाई थी, तालियां बजाई, चीखे चिल्लाए, ताकि एक आज की शाम यादगार बन जाए, आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल। मेरे बच्चे, अंग्रेजी में एक कहावत है, मीटिंग एंड पार्टिंग इज अ लव ऑफ नेचर। मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है। और कुदरत के इस नियम के खिलाफ हम में से कोई नहीं जाता। जिंदगी बस एक सफर है और इस सफर का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि हमारा गंतव्य जब आता है तो हमें गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है, यह गाड़ी तो अगले पड़ाव के लिए निकल जाती है। अख्तर जी जब नवोदय में योगदान जिस दिन दिया होगा, उसी दिन आज की तारीख भी तय हो गई होगी कि एक न एक दिन ये नौकरी का सफर खत्म होगा और इनकी विदाई समारोह होगी। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता, भले नौकरी के सिलसिले में एक इस पड़ाव पर थे, पिछले 33 सालों से समिति की सेवा में थे, नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने लिखाने और प्रशासन देखने में अपने तजुर्बे को अपनी काबिलियत को दिया, और इस दौरान निश्चय ही उन्होंने काफ़ी कुछ त्याग किया होगा, क्योंकि मैं खुद अनुभव करता हूं पिछले 15-16 साल की नवोदय की जिंदगी में कि तुम्हारे लिए काम करते हुए, नवोदय के लिए काम करते हुए कभी कभी मैं अपने परिवार को नहीं देख पाता, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाता, मैं अपने समाज को नहीं देख पाता, और हमारे जितने भी करीबी लोग हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं, हमें चाहने वाले लोग हैं, हम उन पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए आज का वक्त जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है 33 साल 35 साल सेवा करके इस 60 की उम्र में, तो कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म है,
क्यों? क्योंकि नौकरी की जिम्मेदारियों से आज आदमी मुक्त होता है, फारिग होता है और कल से वह उसकी अपनी जिंदगी शुरू होती है। अब वह बेहतर तरीके से अपने परिवार को समय दे सकता है, अपने समाज को समय दे सकता है और अपने चाहने वालों को समय दे सकता है और दिल के अरमान